सिविल जज अर्पिता साहू को न्याय दिलाने एवं आरोपियों की पद से मुक्त कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मोदी राठौर युवा सेवा भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय में SDM को ज्ञापन सौंपा। जिला जज भागा बंकी क्या नाम भैया आपका? मैं महावीर सिंह राठौर मोदी राठौर युवा सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो बहन हमारी अर्पिता साहू सिविल जज हैं बाराबंकी की और जिला जज बाराबंकी के द्वारा जो 4 साल से यौन उत्पीड़न किया जा रहा था उस संबंध में आए हैं और हमारी बहन अर्पिता साहू ने जो सिविल जज के पद पर तैनात महिला जज बहन अर्पिता साहू जी ने CGI से इच्छा मृत्यु मांगी है। उनका कहना है कि बाराबंकी में तैनात जिला जज उन्हें रात में बुलाते हैं, लगातार शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और जातिगत शोषण से तंग आकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सिविल जज के पद पर तैनात महिला जज बहन अर्पिता साहू जी ने परेशान होकर CGI से इच्छा मृत्यु मांगी है। एक तरफ देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं, वहीं लोगों की महिलाओं का हर प्रकार से शोषण करने पर उतारू हैं। ये कितनी चिंताजनक बात है कि जिनसे लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है उन्हीं में एक सिविल जज के पद पर तैनात महिला सुरक्षा सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा। अतः माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम निवेदन करने आए हैं, मोदी राठौर युवा सेना हमारी आई है कि अर्पिता साहू जी को न्याय मिले और जो बाराबंकी के जिला जज हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी मांग है कि देखिए न्याय मिले, अर्पिता साहू को जांच की जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो, सबसे पहले जांच अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे प्रदेश में पूरे देश में मोदी राठौर युवा सेना अगर प्रदर्शन कर अर्पिता साहू को तेली समाज उनके सहयोग अर्पिता साहू को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे प्रदेश में भारी से भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे और अर्पिता साहू जी को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये हमारी मांग है, अर्पिता साहू को न्याय निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। धीरज साहू जिला अध्यक्ष बरेली मोदी राठौर युवा सेना। आज हम मोदी राठौर युवा सेना को एकीकृत करके आए हैं माननीय DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे अर्पिता साहू जो सिविल जज हैं बाराबंकी में उनके साथ जिला जज रविन्द्रनाथ दुबे जी ने उनके साथ दुष्कर्म किया लगातार 1-1.5 साल से और उनने याचिका हाई कोर्ट में डाली थी, उसके बाद में खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में डाली थी वहाँ भी खारिज हो गई, इसीलिए उनने इच्छा मृत्यु के लिए CGI DY चंद्रचूड़ द्वारा उन्हें मांग की कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, वहाँ भी उनकी जो रिट थी वो भी खारिज हो गई। इसलिए मोदी राठौर युवा सेना पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में उतर कर हम उनके सम्मान के लिए उनके मांग को रखते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी अभी शांति यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ से लखनऊ इको गार्डन दिल्ली जंतर मंतर जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा पूरे प्रदेश में पूरे भारत में हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल उत्पीड़न किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ भी बरेली में भी एक घटना हुई है, अनीता राठौर जी उनके साथ में भी हुआ है, उन्हें भी न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है? ऐसी हमारे मोदी राठौर युवा सेना का कुंवरपाल सिंह राठौर, हम आज देख रहे हैं कि SC OBC की जो महिलाएं हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है और कब तक ऐसे SC OBC की महिलाओं के साथ शोषण रेप बलात्कार हत्याएं होती रहेंगी। इसके खिलाफ मोदी राठौर युवा सेना समस्त जनता से अपील करती है, बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो किसी भी जाति की हो, बेटी तो बेटी है, मान सम्मान सबका बराबर है,
हम सभी बेटियों के साथ खड़े हैं, जिस प्रकार हम कल्पना साहू के साथ खड़े हुए थे महुआ में, प्रिया राठौर के साथ हरदोई लखनऊ में खड़े हुए थे, ठीक उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में अर्पिता साहू के साथ खड़े हैं। किसी भी समाज की कोई बहन बेटी हो, उसकी इज्जत मान सम्मान हमारी मोदी राठौर व्यवस्था करेगी, और हम रोड पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता है।